मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गो प्रेम और गो सेवा के लिए भी विख्यात हैं। गोवंश के प्रति उनके स्नेह का असर यह है कि उनकी एक आवाज पर गोरखनाथ मंदिर की गौशाला के गोवंश दौड़े चले आते हैं। गोवंश के बीच अपना बाल्यकाल बिताने वाले भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी के दिन सीएम योगी और गोवंश के बीच पारस्परिक स्नेह संबंध दर्शनीय और अभिभूत कर देने वाला था। शुक्रवार सुबह मंदिर की गौशाला में जैसे ही योगी ने आवाज दी, नंदी व बछड़े झूमते हुए उनके पास आ गए। योगी ने अपने हाथों से उन्हें गुड़ चना खिलाकर दुलार किया। शुक्रवार सुबह बलिया में आयोजित बलिदान दिवस समारोह में शामिल होने के लिए गोरखनाथ मंदिर से रवाना होने से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौशाला में गौ सेवा की। सीएम योगी आदित्यनाथ जब गौशाला पहुंचे, उन्हें देख और उनकी आवाज सुन बछड़े, नंदी और गाय दौड़ती हुई उनके नजदीक चली आई। सीएम योगी भी उनका स्नेह देख निहाल हो गए, बरबस बोल पड़े, अरे अरे देखो देखो कैसे कैसे दौड़ते आ गए। मुख्यमंत्री करीब 15 मिनट तक गौशाला में रहे। उन्होंने पूरी गौशाला का भ्रमण भी किया। इसके बाद सीएम योगी बलिया में आयोजित बलिदान दिवस समारोह में शामिल होने बलिया पहुंचे। वहां उनके द्वारा अमर शहीद राजकुमार बाघ की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दिया गया। फिर वापस गोरखपुर आकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपद मथुरा पहुंचे। वहां पर उन्होंने अन्नपूर्णा भवन का लोकार्पण किया तथा मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मस्थान पर कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना एवं विधिवत आरती किया। शाम को लखनऊ पुलिस लाइन में सीएम योगी जन्माष्टमी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद देर शाम लखनऊ से गोरखपुर पहुंचे और जन्माष्टमी पर मध्य रात्रि में गोरखपीठ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में करेंगे। शनिवार की सुबह मंदिर में सीएम योगी जनता दरबार लगाएंगे। देखो उधर जो गाय है उनके लिए भी उनको खिलाने की व्यवस्था करो। आ जाओ इधर, दौड़ कर दौड़ कर जी।
Gracias.